हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल ब्रदरहुड एसपीएस में। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक ऐसी जगह जो अभी तक सरप्राइज है। हम विजिट करने वाले हैं आज काफ़ी जगह की, तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी हम निकल रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहुँचे हैं मेहंदीपुर बालाजी धाम, जो कि नीम का थाना से लगभग 20 किलोमीटर आगे है। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ इस मंदिर के अंदर, देखते हैं मंदिर। सो गाइस, ये है हनुमान जी का मंदिर, जिसे मेहंदीपुर बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। ये आप देख सकते हैं, अभी इसमें आरती चल रही है फिलहाल, तो हम अभी अंदर नहीं जाएंगे। आपको यहाँ से मैं दिखाता हूँ, ये देखिए हनुमान जी की मूर्ति है। तो ये दोस्तों, ये इसके चारों तरफ जो हनुमान जी के जो फेरी का जो इस परिक्रमा का जो स्थल है, ये वो बनाया हुआ है। ये पीछे हनुमान जी के वृक्ष है। तो दोस्तों, हनुमान जी के मंदिर के पास ही माँ अंजना, जो हनुमान जी की माता जी है, उनकी मूर्ति स्थापित की गई है। और फिर आगे उनके पास माँ सरस्वती जी की मूर्ति भी स्थापित की गई है। काफ़ी खूबसूरत मूर्तियाँ हैं, आप देखिए। तो दोस्तों, आगे मंदिर के पास में एक राधा श्री कृष्ण जी की मूर्ति भी स्थापित की गई है, देखिए आप, काफ़ी खूबसूरत मूर्ति है राधा एंड कृष्ण जी की। दोस्तों, ये है मंदिर का ऊपरी हिस्सा, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, चारों तरफ जो है मंदिर के खाली खेत ही खेत हैं। गांव, एक गांव है, गांव के अंदर ये मंदिर है। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ खाली जगह आपको देखने को मिलेगी लगभग, और काफ़ी खूबसूरत मंदिर है ये, देख सकते हैं। ये एक पेड़ है जिसमें मन्नत का धागा बांधा जाता है। सो इसके पास जस्ट पास में है भैरव जी महाराज जी का मंदिर, ये देखिए हमारे बड़े भाई साहब जो भैरव जी महाराज के काफ़ी परम भक्त हैं। तो ये भी काफ़ी खूबसूरत जगह है। आपको ये मंदिर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, एंड वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सो अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।